बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। जिन्नात एक ऐसा मौजू है जिसको सदियों से पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इस पर बहुत सारी बहस होती है। जिन्नात को इंसानों के अलावा एक ऐसी मखलूक समझा जाता है जो इंसानों पर असरअंदाज भी होती है, लेकिन इंसान उसे देख नहीं सकते। इस बारे में बेशुमार किताबें हैं, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसी किताबें हैं जिनमें जिन्नात के बारे में इनका जिक्र किया गया है। तमाम अलहामी किताबों के अंदर जिन्नात का जिक्र है, बल्कि दूसरे तमाम मज़ाहिब में भी जिन्नात को एक ऐसा मौजू बनाया गया है। इंसान अभी तक उस पर बरताए हैरत में मुबतला है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं इन वाक़यात को किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देख लेते हैं या सुनी सुनाई बातों पर कोई ना कोई गुमान कायम कर लेते हैं। फिर इससे नई नई बीमारियाँ जो सामने आती हैं, नए नए तसव्वुरात सामने आते हैं कि जिन्नात इंसानों पर आशिक हो जाते हैं, खूबसूरत लड़कियों ने पसंद होती हैं, लड़कियों से वो शादियां कर लेते हैं इंसानों से, और बहुत सारी जिन्नात जादियां हैं वो भी इंसान मर्दों से शादियां कर लेती हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आपने सुन रखे हैं और इनके बारे में आपका तसव्वुर जो है मुख्तलिफ हो सकता है। आप इसको जुटला सकते हैं, आप उसको वहम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मैंने भी ऐसी किताबें बेशुमार पढ़ी। ख़ास तौर पर मैंने जब ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात में से गुजरा, मेरी ज़िंदगी में 89 में ऐसे कुछ वाक़यात पेश आए कि मैंने जिन्नात के साथ खुद मुलाकातें की। मैं बता रहा था कि 89 में जब मुझे जिन्नात के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, उनके साथ मैं बहुत सारे ऐसी जगह पर जाया करता जहाँ आम इंसान जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मसलन कब्रिस्तानों में ख़ास तौर पर उनके साथ मैं चिल्ला करने के लिए भी जाता था। बहुत सारे ऐसे घरों के साथ में वो जाते थे जहाँ एक आमिल साहब थे, जब वो उनके साथ मैं जाता था वहाँ जिन्नात के साथ बिलमुशाफे मुलाकातें होती थी मेरी, जिस तरह के आम इंसानों के साथ मुलाकातें होती हैं। तो ये मेरे लिए ज़िंदगी का बड़ा हैरान कुन एक ऐसा मौका था जो अब तक मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता रहा है। मैंने जब नवाए वक्त ज्वाइन किया तो मैंने आज से तकरीबन 17-18 साल पहले जिन्नात का ग़ुलाम के नाम से अपनी इन सारी याददाश्तों को मैंने लिखा। उसके बाद जब नवाए वक्त के फैमिली मैगज़ीन में ये कहानी शाया हुई, तकरीबन एक साल तक ये शाया होती रही। उसके बाद ये साथ साथ उर्दू पॉइंट पर ऑनलाइन जब चलना शुरू हुई तो पूरी दुनिया के अंदर एक शोर मचा, तहलका मचा, बड़े सवालात उठे कि क्या ये सिर्फ एक फिक्शन है या इसमें हकीकत कितनी है, इसमें सच कितना है, झूठ कितना है। लाखों की तादाद में लोगों ने रब्ता किया। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ से इन लोगों ने उर्दू पॉइंट की वसात से मुझसे रब्ता ना किया हो। इतना ज़्यादा लोगों को तजस्स था, वो मैंने अपनी सारी बायोग्राफी उसके अंदर लिखी थी। वो तो एक बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल उसमें उठाया वो ये था क्या ये सच्ची है, क्या ये हकीकत है। तो आज मैं इस वीडियो में जिन्नात की ज़िंदगी के बारे में वो बहुत सारी बातें जो मैं लिख नहीं सका, लेकिन मैं अब बयान करने लगा हूँ, उन बहुत सारे दोस्तों के सवालों के जवाब भी मैं दूंगा और मैं बताऊंगा कि जो जिन्नात के बारे में हमारा तसव्वुर है वो क्या है और आम तौर पर जिन्नात होते क्या हैं, उनके बारे में किताबों में क्या लिखा है, क्या किताबों में जो लिखा गया है क्या वो सारे का सारा सच है। अब उसकी मिसाल मैं दूँ। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इनकलाबी का चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिन्नात के मौजू पर मैं एक यूनिक किस्म की जो मेरी रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी दुनिया में। मैंने किताब जब लिखी तो मैंने क्लेम किया कि मैं पूरी दुनिया में वाहिद एक सहाफ़ी हूँ जिसने जिन्नात के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, उन जिन्नात के जिनकी 1400 साल पुरानी उम्र थी, जिनकी 800 साल पुरानी उम्र थी, जिनके बच्चे मेरे साथ मेरे दोस्त थे और मेरे साथ हमेशा वो प्यार मोहब्बत दोस्ती के साथ मेरे साथ शरारतें किया करते थे। मैं उनके साथ मुख्तलिफ जगह पर जाया करता था। मैं आने वाली ये चांद के वीडियोस में अपनी ये सारी याददाश्तें, अपनी सारी तहकीक जो है उसमें बयान करूँगा, और ताकि आप तक मेरी ये वीडियो वक्त पर पहुँचे और आप इसको ख़ुद भी इसको रिसर्च करें और देखें कि क्या मैंने जो ये बात की है ये कहाँ तक ठीक हो सकती है। जिन्नात के बारे में जो मुबालगे हैं या मुगालते हैं या जो वहम है, इस बारे में जो मेरे ज़ाती तजर्बात हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सुनी सुनाई कोई बात मैं नहीं करूंगा। मैंने जिन्नात के जो इंटरव्यूज़ किए थे, जिन्नात से जो तारीख की कुछ बातें सुनी थी, उन जिन्नात से जिन्होंने करबला के अंदर के सारे खूनी जो और मजलूमैन के साथ जो वाक़यात थे वो जो देखे हुए थे वो मैं यहाँ बड़ी एहतियात के साथ बयान करूँगा। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर ये सारी की तफसीलात में बयान करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से जिन्नात रहते हैं, पाकिस्तान के किन इलाकों में कौन से जिन्नात की अक्सरियत ज़्यादा है। मसलन
मैं आपको पहले एक टिप दे दूं, आने वाली वीडियोस के अंदर क्या कुछ हो सकता है। जैसे सिंध है, सिंध के अंदर किस किस्म के जन्नात की सबसे ज़्यादा तादाद है, पंजाब के अंदर जन्नात की तादाद सबसे ज़्यादा कौन से हैं, और केपीके में कौन से जन्नात रहते हैं, और कितने सदियों पुराने जन्नात वहाँ रहते हैं, और किन इलाकों में रहते हैं। ये सारी, चूँकि मैं उस वक्त नौजवान था, मुतजस्स था, तो मैं ये सारी बातें उनसे सुना भी करता था, सवाल बड़े ऊट पटांग करता था, जिसके जवाब में वो मैं उनसे सुना भी करता था। अब और बात आप आगे मज़ीद बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरी इस वीडियोज़ के अंदर ज़्यादातर वो चैलेंजिंग बातें मौजूद हैं, और खुला चैलेंज है इसमें कि जो भी इस हवाले से मुझे बात करना चाहे वो कर सकता है। जो मेरे साथ बीती है वो तो मैं बता के रहूँगा, वो हड बीती है, मैं जग बीती की बात नहीं करूँगा, मैं फर्जी बात नहीं करूँगा। मसलन जिन्नात के बारे में हमेशा से ये मशहूर रहा है कि जिन्नात जो है वो गोबर खाते हैं, हड्डियाँ खाते हैं। मैं वो आदमी हूँ जिसने जिन्नात को आइसक्रीम खिलाई हुई है, चाय पिलाई हुई है, दूध पत्ती पिलाई हुई है, आम खिलाए हुए हैं, किन्नो खिलाए हुए हैं, इस तरह मुख्तलिफ जो हम शौक से चीज़ें खाते हैं वो हम खिलाते हैं। पीसी होटल लाहौर के अंदर जाके जिन्नात के साथ जाके खाने खाए हुए हैं। अब ऐसी बहुत सारी बातें जब मैं करूँगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक आदमी झूठ बोल रहा है और सिर्फ फिक्शन बाजी के लिए चक्कर में ये सारी बातें करते। जब एक वाकया ऐसे अनहोनियाँ हुई हैं, हर इंसान के साथ अनहोनी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे साथ हुई हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारे दोस्त, ख़ासतौर पर मैं उन दोस्तों की मैं बात करूँ जैसे सैयद कासिम अली शाह साहब हैं, खालिद इरशाद सूफी साहब हैं, फ़रुख शहबाज़ वड़ाइच हैं, इसी तरह मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनका एक तकाजा रहा है कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करूं और जिन्नात के साथ अपना जो मेरा एक तहकीकी वक्त गुजरा है मैं उसको ज़रूर बयान करूं। तो सो इस सिलसिले में मैं आज पहली वीडियो कर रहा हूं, और आने वाले वक्त में मैं तकरीबन 10-12 वीडियो और करूँगा जिनमें जिन्नात पूरी दुनिया में जिस तरह से फैले हुए हैं, इंसानों पर उनके असरात क्या है, इंसानों के साथ उनका ताल्लुक क्या है, और हर वो इंसान जिसमें आप भी शामिल हैं उसके साथ जिन्नात का क्या ताल्लुक है, क्योंकि हर इंसान का जिन्नात के साथ गहरा ताल्लुक है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और इंसान को नज़र भी नहीं आते लेकिन इंसान के ऊपर असरअंदाज होते रहते हैं। ये सारी बातें मैं वही बताऊँगा जो जिन्नात से मैंने सुनी हैं या जिन्नात से जो मैंने इल्म सीखा है, और उसकी बुनियाद पर जो मेरे तजर्बात हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आम तौर पर ये कहा जाता है कि जी जिन्नात जो हैं वो जंगलों में रहते हैं, वीरान जगह पे रहते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं, जहां अगर आप अगर डिफेंस में रहते हैं तो जिन्नात डिफेंस में भी रहते हैं, आप अगर डॉक्टर हैं तो जिन्नात भी डॉक्टर हैं, आप अगर सहाफ़ी हैं तो जिन्नात भी सहाफ़ी हैं, आप अगर एक नर्स का किरदार अदा कर रहे हैं या स्कूल टीचर का किरदार अदा कर रहे हैं, या आप एक शरीफ इंसान हैं, मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी शराफत मशहूर है, या एक बहुत बड़े बदमाश हैं, लेकिन आप बुराई में अच्छाई में जो भी काम कर रहे हैं जिन्नात आपके साथ मौजूद हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये मैं आपको पहला वाक़या जो है इसका मैं सुनाने लगा हूँ। नवाए वक्त में था मैं उन दिनों में, तो मेरे एक साथी मुझे अक्सर कहा करते थे कि हज़रत दरबार है लाहौर में, लाहौर होटल के पास बहुत बड़ा एक दरबार है, वहाँ उनके एक पछवाड़े में, दरबार के पछवाड़े में एक साहब रहा करते थे मकसूद, बहुत नेक, उनकी बड़ी एक शोहरत थी, नाम सुना हुआ था। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी कहानी सुनने के बाद जिन्नात का गुलाम जब मैंने लिखी तो उनकी तमन्ना थी कि जे शाहिद नसीर चौधरी से मैंने मुलाकात करनी है। तो मैं उनके पास चला गया, जिस दिन मैं उनके एक आस्थाने पर पहुँचा तो उन्होंने एकदम मुझे बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया, कहने लगे आप 2 मिनट के लिए यहाँ रुकें, आपने भी अंदर नहीं आना। मुझे उनका ये रवैया बड़ा पुरसरार सा लगा, बड़ा मैं हैरान हुआ कि बजाय कि मुझे तो ये बुला रहे थे और बुलाने मुझे अंदर बुलाने के बजाय इन्होंने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले, उन्होंने अपने सर के ऊपर दस्तार ली, सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, कुछ उन्होंने कर लिया और मेरे ऊपर कुछ दम उन्होंने किए, दाएं बाएं कुछ फूंके मारी और झाड़ी, और फिर उसके बाद माजरत करते हुए मुझे अपने आस्थाने के अंदर लेकर आए, बड़े एहतराम से मोहब्बत से मुझे पास बैठाया। तो मैंने पहला सवाल किया, मैंने कहा हजूर आपने ये काम क्या किया है, मुझे क्यों खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई मेरे ऊपर असेब था कि आपने इतनी एहतियात के साथ मुझे अंदर लेकर आए हैं, मैं तो आपका मेहमान था और आपने मेरे साथ क्या किया? तो वो मुझे कहने लगे कि शायद मियाँ या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मासूम बन रहे हैं, और ये भी मुझे समझ, पहले आप बताएं कि आप। मैंने उनको बताया कि भाई मैं ना इसमें मासूम हूँ और ना ही मैं कोई इसमें कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, मुझे आप सिर्फ सिंपल सा एक बताएं कि आपने क्यों किया। वो कहने लगे कि आपके ऊपर 7 जन्नात हैं,
जो आपके ऊपर मामूर रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त हैं ये सारे के सारे। जब आप पाने लगे तो वो आपके साथ थे। तो मैंने इससे पहले कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सातों जन्नात जो थे वो सारे के सारे मेरे आस्थानी के अंदर आए, मेरे कमरे में हुजरे के अंदर आए, उनको रोकने के लिए मैंने ये आपके ऊपर ये एक अपना हफाजती हिसार कायम किया है, ताकि आप जब अंदर आए तो मेरे जो यहाँ जन्नात मौजूद है उनके साथ उनका कोई मसला कोई पैदा ना हो जाए। मेरे लिए बड़ी हैरान कन बात थी। मैंने कहा हजूर सात जन्नात, मेरे हाथ तो आज तक एक जन्नात ऐसा नहीं लगा कि जिसे मैं आवाज़ दूँ और फौरन से वो पहले आ जाए। या मुझे क्या कहानी सुनाने लगे? वो कहने लगे कि इसमें ये कुदरत का निज़ाम है कि हर इंसान के साथ कम से कम एक जिन ज़रूर पैदा होता है। इस पर उन्होंने मुझे कुछ अहादीस सुनाए, कुछ और बातें भी इस्लाम की, कुछ सहाबा किराम के किस्से सुनाए, कुछ वाकया सुनाए। उन्होंने कहा ये कुदरत का निज़ाम है कि हर इंसान के साथ जिन्नात जो हैं वो पैदा होता है, एक जिन ज़रूर पैदा होता है। अब वही जिन जो होता है वो इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाता है, उसके साथ रहता है, उसके बहुत सारे मामला रूहानी मामलात में उसके साथ तआमुल करता है, लेकिन इसका इन्हिसार सिर्फ इंसान की अपनी रूह पर है, इंसान के अपने मामूलात पर है कि वो कितने अच्छे अमाल करता है, कितनी दुआएं पढ़ता है, अल्लाह से उसका ताल्लुक कितना है। जितना इंसान की तसव्वुफ और रूहानियत और उसकी मजहबी अकायद मजबूत होंगे वो जन्नात के ऊपर अपना तसर्रुफ रखेगा, उस जन्नात उस पर असरअंदाज ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि जन्नात के अंदर बुराई करने की सबसे ज़्यादा शरह होती है। और लिहाजा ये एक बड़ी लंबी तफसीली बात थी जो मैं आगे जाके आपको फिर मैं बयान करूंगा। कहने का मकसद ये है कि मुझे उन्होंने ये बताया, मैंने कहा मेरे साथ तो फिर एक बजाय सात जन्नात किया। इसका उन्होंने मुझे लंबा एक किस्सा सुनाया कि आपके साथ चूंकि बुजुर्गों का एक बहुत ज़्यादा एहतराम रहा है, आप बुजुर्गों ने दीन की मन्नत से पैदा हुए हैं, और ये बड़ी लंबी एक बातें थी। और उसके बाद चूंकि आपने खुद इस वज़ाइफ पढ़ते हैं, आपने इसमें आज़म के सारे जो हैं वज़ाइफ हैं वो सारे पढ़े हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं था क्योंकि जिन्नात ने मुझे जो इसमें आज़म के हवाले से अस्माए मुबारक के हवाले से 99 अल्लाह के जो अस्माए मुबारक हैं उनके वज़ाइफ जो बताए थे वो मेरी कादत थी। मैं छोटी उम्र से मैं पढ़ता आ रहा था और हर इस्माए आज़म जो है मैंने उसका तकरीबन आप कह लें कि जिक्र की हद तक मैंने उसका चिल्ला किया हुआ था और लाखों की तादाद में पढ़ा हुआ था। तो मुझे उन्होंने बताया कि आपके ऊपर ये सात जिन्नात इन अमाल की वजह से हैं। अब मेरे लिए बड़ी मेरी जिंदगी, मैं एक ऐसी कशमकश के अंदर गिरफ्तार हो गया जब उस पहली उनसे मुलाकात के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने इस पर बाकायदा रिसर्च करनी शुरू कर दी। रिसर्च करने के नतीजे में बहुत सारे नतायज मेरे सामने आए। इस दौरान दोबारा से जिन्हें मैं बाबा जी कहता हूँ, मेरे जिन्नात जो थे जिनके पास मैं जाया करता था, मिला करता था, फिर मैं उनके पास में मेरी मुलाकात कर दोबारा उनके साथ एक मरहला शुरू हुआ तो मैंने ये सारी बातें की। ये सारी बातें जो अब मैं आपसे करना चाहता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जिन्नात बुनियादी तौर पर इंसान के साथ साथ होते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि जिन्नात का वजूद कोई मायने नहीं रखता वो मेरी नज़र में एक कुफ्रिया इनकार करते हैं, क्योंकि बहसियत मुसलमान अगर आप देखें तो 127 आयात में 127 बार कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र आया है। जिन्नात एक बाकायदा मखलूक है। चूँकि आपने तो किताबों में पढ़ा सुनी सुनाई बात है, लेकिन मैंने तो आंखों से देखा हुआ है। मैंने जिन्नात को बराह रास्त जिस तरह मैं आपके साथ हम कलाम इसी तरह हम कलाम होते हुए देखा है, और इसी दावे की बुनियाद पर मैं ये सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में और कल या परसों मैं दोबारा से आपकी खिदमत में नई वीडियो में मैंने जिन्नात के बारे में नई बातें कुछ ऐसी बताऊंगा कि एक इंसान के साथ जो जिन्नात होते हैं वो बुनियादी तौर पे करते कैसे हैं, इंसान को उनका क्यों नहीं पता चल सकता। इंसान जो जिन्नात काबू करता है बेसिकली इन्हीं जिन्नात को, जिन्हें कहते हैं कि हमजाद पकड़ना या मुअक्कल पकड़ना, वो इसी तरह के कुछ मामलात होते हैं जो इंसान के दाएँ बाएँ होते हैं, लेकिन चूँकि इंसान को ये नज़र नहीं आते तो लेकिन उसको डीकोड करने के लिए इंसान को कुछ इल्म सीखने पड़ते हैं। ये डीकोड क्या होता है मैं इस बारे में भी आपसे बात करूंगा, और इंशाल्लाह ताला फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मज़ीद इस मौजू पर बात होगी और डंके की चोट पर होगी। पूरी दुनिया में अगर किसी और ने जिन्नात को बराह रास्त देखा है, यहाँ मैं एक बात कह दूँ, बहुत सारे लाहौर के जितने आमिल थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुझे फिर बुलाते थे और मैं लोग मुझे साथ ले जाते थे, आप मुझे बताएं कि किस आमिल के पास जिन्नात हैं किसके पास नहीं हैं। तो ये एक मेरे अंदर कोई ऐसा कि मीटर फिट हो गया था, जब किसी के आस्थाने पर मुझे लेकर जाते थे तो कुदरती तौर पे मुझे पता चल जाता था कि इस आदमी के पास जिन्नात हैं या ये फ्रॉड है। तो एक लंबी एक कहानी है, लाहौर के बहुत सारे दिलचस्प ऐसे वाक़ियात हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। उम्मीद है
कि आप सब मेरे साथ रابطے में रहेंगे। थैंक यू।